श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि मकर राशि वाले को किस एक राशि के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। कहा गया है कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन। आज लव मैरिजेस हो रहे हैं। लव मैरिजेस का लॉजिक तो ये रहता है कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमारी सोच मिलती है, हमारे पसंद मिलते हैं और भी बहुत सारे तर्क होते हैं। फिर भी आज की तारीख में लव मैरिजेस होते हैं और शादी की जो तलाक का रिश्वत दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ पे आपको ये मानना पड़ेगा कि राशियाँ बहुत मायने रखती है। जन्म कुंडली मिलान बहुत मायने रखता है। जो लव मैरिजेस करते हैं, जो भी शादी करते हैं, ये कभी सोच के नहीं करते हैं कि हम एक दूसरे से अलग रहेंगे, फिर भी अलग हो जाते हैं। कहीं ना कहीं सोच मैटर करता है। तो मकर राशि की बात कर रहे हैं कि मकर राशि को किससे शादी नहीं करनी चाहिए। मकर राशि वाले लोग काफ़ी ईमानदार, वफादार और महत्वाकांक्षी होते हैं। जो ऐसा जोड़ीदार चाहते हैं जो उन्हें सपोर्ट करे, हर मामले में सपोर्ट करे। इनका जो सबसे बड़ा बुरा जोड़ीदार होता है वो होता है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक इनके बुरे जोड़ीदार होते हैं क्योंकि इनमें मकर राशि वाले को समझने की समझदारी नहीं होती है। मिथुन राशि वाले को बदलना बहुत मुश्किल है, वहीं मकर राशि वाले को बदलाव बहुत पसंद है। मकर राशि वाले संगठित रहना पसंद करते हैं, वहीं मिथुन राशि वाले बहुत चंचल होते हैं। तो मकर राशि वाले को जो सबसे खराब जोड़ीदार है शादी ब्याह के मामले में वो है मिथुन राशि। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।